मोटिवेट कैसे रहें? गोलियां खाइए मोटिवेशन की। मजाक कर रही हूँ रजनी यार, अपनी लाइफ को प्लान करो, छोटी सी लाइफ है, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, तो क्या कर सकते हो? आप खुद को मजबूत बना सकते हो हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, स्पेशली मेंटली, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो बाकी तरीके हो। तो वो सब करने के लिए आपको फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि बैठे रहेंगे। तो जिंदगी वैसे भी आसान नहीं है, और बैठे रहे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी फिर, है ना? तो फिर सर्वाइवल के ही रोने पड़ जाएंगे अगर हम आलस में बैठे ही रहें कि कोई और कर देगा हमारे लिए, कोई और हमारे लिए बड़ा सोच लेगा, है ना? तो एक्शन तो जरूरी है, फिर मोटिवेशन की कमी कहाँ है, स्पेशली मेरे और आपके जैसे लोगों की लाइफ में, जिनके लिए कोई ऐसे नेपोटिज्म वाली चीज नहीं है, किसी ने एक कोई सेज नहीं सजा के रखी है कि भाई बैठो यहाँ पे, तुम्हारे लिए ताज सजाए हैं हमने और सारे काम होंगे। आपको खुद करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, ये इससे कम बड़ी मोटिवेशन नहीं है ना। अंबानी की औलाद तो है नहीं हम, कि कोई दिक्कत नहीं है चलो, और वो पैसे के टर्म में नहीं होता, वो और बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि आप अपना कई बार पैशन भी फॉलो नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज आपको घर की कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई और आपकी लाइफ में लक्ष्य है, बच्चे हैं बहुत सारे लोगों के, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इसलिए खुद कीजिए, आपके सपने आप ही पूरे कर सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं आएगा, चॉइस है ही नहीं अगर हम देखें तो चॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी।